नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं IPL 2023 की सीरीज़ की। और IPL 2023 के लिए सभी टीम्स के लिए जो जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनती हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको क्रिकेट की हर खबर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट की कि आरसीबी की टीम किन किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं IPL 2022 में आरसीबी के प्रदर्शन की। तो दोस्तों, उनको क्या रेटिंग मिलनी चाहिए इस प्रदर्शन के दम पर, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह का प्रदर्शन आरसीबी कर रहा है, आरसीबी ने लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, तो इसके लिए इनको 10 में से हमने नंबर दिए हैं 9.5। 10 में से 9.5 नंबर मिलते हैं इनकी परफॉर्मेंस के लिए। और दोस्तों, काफ़ी अच्छा साल रहा है, लेकिन ओवरऑल यहां पर थोड़ा बहुत कमी रह गई, वो रह गई नॉकआउट मुकाबलों में। यहां पर इस बार अलग ये किया कि एलिमिनेटर तो इन्होंने जीत लिया, लेकिन क्वालिफाई 2 में ये हार गए, यानी कि 2 कदम दूर रहकर ये ट्रॉफी हार गए। तो दोस्तों, यहाँ पर इनके पास में मौका था इस साल और अच्छी टीम थी, लेकिन खैर कहानी जो है वो फिर से शुरू करनी होगी। यहाँ पर टीम तो इन्होंने ज़बरदस्त बना डाली है, उसमें कोई दोराई नहीं है। टीम अच्छी है, रजत पाटीदार के रूप में एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी इनको मिला है जो कि नंबर 3 पर विस्फोटक पारियाँ खेल सकता है। तो टीम की तरफ अगर नज़र डाले तो टीम काफ़ी ज़बरदस्त है, टीम का संतुलन काफ़ी ज़बरदस्त है और कुछ कमियां भी हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। तो बात करेंगे कि किन किन खिलाड़ियों के ऊपर अगले साल गाज गिर सकती है। तो भैया, सबसे पहला नाम आता है आकाशदीप का। भैया, 5 मैचों में इनको मौका दिया गया था आरसीबी ने, जिसमें कुछ में अच्छा तो कुछ में काफ़ी बेकार प्रदर्शन रहा और 5 मैच में कुल 5 विकेट ये लेने में कामयाब रहे। लेकिन ये अभी युवा हैं, इनका पहला ही साल था और थोड़ा और सीखेंगे। और केवल 20 लाख में खरीदा था तो इनको टीम रिलीज नहीं करेगी। आने वाले समय में ये हो सकता है कि आरसीबी के मेन बॉलर बन जाएं, क्योंकि इनको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है और इनके पास काफ़ी अच्छी गति है, तो इनको मेरे हिसाब से आरसीबी रिलीज नहीं करेगी। नेक्स्ट नाम आता है अनुज रावत का, जो कि पक्के दावेदार हैं रिलीज होने के, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में काफ़ी सारे मौके दिए इनको, 8 मैचों में मौका दिया था आरसीबी ने, लेकिन ये केवल 126 के समथिंग रन ही 8 मैचों में बना पाए हैं। और इनको आरसीबी ने 3.4 करोड़ में ख़रीदा था, तो इनको रिलीज़ होने के चांसेस जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि 3.4 करोड़ में इनको ख़रीदा था। नेक्स्ट नाम आता है दिनेश कार्तिक का। दोस्तों, दिनेश कार्तिक का नाम इसमें क्यों है ये ही आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आपको बता दूं कि दिनेश कार्तिक हो सकता है कि इस साल के बाद क्रिकेट ना खेले, क्योंकि वो केवल IPL खेल रहे हैं और कमेंट्री भी कर चुके हैं, तो चांसेस काफ़ी कम है। और अगर खेलते भी हैं ना, तो डिपेंड करेगी कि उनका फॉर्म कैसा है, क्योंकि डीके जो है वो अब 37 साल के हो चुके हैं और नेक्स्ट ईयर वो 38 के हो जाएंगे। और उनको आरसीबी ने 5.5 करोड़ में ख़रीदा, और ये 5.5 करोड़ एक बड़ी रकम होती है, तो हो सकता है कि इनको रिलीज़ करे और कम अमाउंट में ख़रीदने को देखे, तो 50-50 रहेगा कि ये रिटेन होंगे या फिर नहीं। नेक्स्ट नाम आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोहम्मद सिराज। IPL 2022 में इनके प्रदर्शन पर अगर एक नज़र डालें तो 15 मैचेस में केवल 9 विकेट और करीब 10 की इकोनॉमी काफ़ी महंगे रहे हैं, और ये वाला सीज़न इनका सबसे महंगा सीज़न साबित हुआ है। इससे पहले इनकी इकॉनमी काफ़ी मतलब इनकी इकॉनमी जो है ना वो कभी भी 10 के आसपास नहीं आई, यानी कि 10 को टच नहीं किया, लेकिन इस साल ऐसा हुआ है। और 7 करोड़ भी दिए हैं टीम ने, काफ़ी भरोसा जताया, लेकिन सिराज उस भरोसे पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिलीज़ होंगे और कम कीमत में टीम जो है वो इनको दोबारा खरीदेगी। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो इनके अलावा और कोई प्लेयर मुझे नहीं लगता है कि रिलीज़ होगा। तो रिलीज़ प्लेयर्स की लिस्ट में नाम शामिल है केवल अनुज रावत, मोहम्मद सिराज और दिनेश कार्तिक। और अगर टीम इन तीनों को रिलीज़ करती है तो पर्स में टोटल ऑलमोस्ट 16-17 करोड़ हो जाएंगे। और करंटली आरसीबी का जो स्क्वाड है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, और इन 16-17 करोड़ में इनको 5 प्लेयर्स ख़रीदने हैं और अगले साल मिनी ऑक्शन होना है, तो ये टीम उतने प्लेयर्स रिलीज़ करती हुई नज़र नहीं आएगी। हमारे हिसाब से 3 प्लेयर्स रिलीज़ करेंगे और मैक्सिमम 5 प्लेयर्स ख़रीदेंगे। बाकी आपके हिसाब से किसे करना चाहिए रिलीज और किसे करना चाहिए बाय, कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।